चंडीगढ़ ते दावेदारियां पेश हो रही ने वारों वारी ते हुण हिमाचल ने भी मंगी है अपनी हिस्सेदारी। कैबिनेट दे वल्लों सब कमेटी भी बना दित्ती गई है, हालांकि पंजाब सरकार ने हिमाचल दे इस दावे नूं नकारिया। चंडीगढ़ ते दावे भारी, हिमाचल ने भी मंगी हिस्सेदारी। पाकड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड तो बाद हुण हिमाचल प्रदेश सरकार केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ ते भी अपनी हिस्सेदारी मंग रही है। सरकार ने पंजाब पुनर्गठन एक्ट तहत अंतरराज्य समझौतों की पड़ताल करने के लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है। विभाग ने गजटेड नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। कैबिनेट सब कमेटी की प्रधानगी खेतीबाड़ी मंत्री चंद्र कुमार करेंगे। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ते माल मंत्री जगत सिंह नेगी इस सब कमेटी के मैंबर बनाया गया। यह सारी कमेटी हिमाचल सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी ते दसेगी कि पंजाब पुनर्गठन एक्ट अनुसार हिमाचल को चंडीगढ़ च अपना हिस्सा किस तरह मिलेगा। रिपोर्ट के आधार से हिमाचल सरकार इन मामलों केंद्र ते पंजाब सरकार को चुकेगी। सत्ता संभालन तो बाद ही हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू इस गल ते जोर दे रहे हैं कि BBMB के नाल चंडीगढ़ च हिमाचल की हिस्सेदारी है। इन्ना ही नहीं, हिमाचल सरकार वालों BBMB के पावर प्रोजेक्ट तो भी रॉयल्टी की मांग की जा रही है। जिस तरह हिमाचल से स्थापित होर पावर प्रोजेक्ट हिमाचल सरकार को रॉयल्टी दे रहे हैं, उसी तरह ही हिमाचल भी BBMB तो रॉयल्टी या बिजली के रूप से हिस्सा वधाने की मांग कर रहे हैं। दूजे पासे पंजाब सरकार ने हिमाचल के चंडीगढ़ के दावे को सिरे तो खारिज किया है तो चंडीगढ़ से पंजाब का हक होने का दावा किया है। नहीं, बिल्कुल BBMB पे हमारा हक है, हमारा बहुत सी ज़मीन उसमें गई है और हमारे विस्थापित लोग भी हैं जो आज भी इतने सालों बाद भी जो उनके उनके अधिकार हमारे विस्थापियों के जो होने चाहिए थे वो उनको पूरे रूप से नहीं मिले हैं। इस पे अलग अलग सरकारों ने अपना पक्ष भी रखा है, इसके लिए लड़ाई भी लड़ी है। अभी हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने कमेटी सब कमेटी का कैबिनेट सब कमेटी का फॉर्मेशन करी है, जिसमें हमारे वरिष्ठ नेता चंद्र कुमार जी, जगत सिंह नेगी जी और डॉक्टर हर्षवर्धन चौहान उसमें जो है वो उपस्थित है। और मुझे विश्वास है कि वो इस विषय को पूरी मजबूती के साथ केंद्र सरकार के समक्ष उठाएंगे। कुछ मसले इसके कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट में है, वहाँ पर भी सरकार जो अपना हलफनामा दायर करेगी आने वाले समय में, उसमें पूरी मजबूती से हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश के विस्थापियों का जो जो है वो हक रखेंगी। देखिए, पहली बात तो हिमाचल का तो दावा हम सिरे से खारिज करते हैं, क्योंकि रीऑर्गेनाइजेशन में भी जो टेम्परेरी प्रोविजन दिया गया है, हालांकि उसके पीछे भी कांग्रेस की साजिश थी और हरियाणा को टेम्परेरी कुछ अधिकार दिए थे, लेकिन अल्टीमेटली चंडीगढ़ पंजाब के जो गांव हैं उनको उजाड़ के बसाया गया था, पंजाब की कैपिटल है। तो एक तो ये बात बड़ी स्पष्ट है। दूसरी बात, हमको लगता है जो हिमाचल के प्रभारी हैं वो पंजाब के विधायक और लीडर ऑफ अपोजिशन प्रताप सिंह बाजवा हैं, और ये सबको पता है कि प्रभारी की सहमति के बिना कोई भी सरकार चलती नहीं, ना कोई फैसला लेती है। सो जो एंटी पंजाब जो हिमाचल ने जो ये अभी काम करने जा रही है, या एक सब कमेटी बनाई है चंडीगढ़ को लेकर, जो फैसला लिया है एंटी पंजाब, उसमें प्रताप बाजवा जी की भूमिका जो है वो भी सामने आई है। हमारा उनसे सवाल है, प्रताप बाजवा जी अपनी स्थिति स्पष्ट करें, क्या हिमाचल सरकार के स्टैंड के पीछे उनकी मानसिकता भी यही है? क्या जो कांग्रेस का हाई कमांड है वो आज भी एंटी पंजाब क्यों भुगत रहा है? पंजाब ने उनका बिगाड़ा क्या है? सो ये एंटी पंजाब कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हुआ है, लेकिन हिमाचल को किसी भी तरह का अधिकार चंडीगढ़ में मान साहब की सरकार नहीं देगी। दरअसल पंजाब पुनर्गठन एक्ट 1964 च हिमाचल 7.19% हिस्सा देने का फैसला होया सी। 1992 तक PGI चंडीगढ़ च हिमाचल सरकार का अधिकार नहीं सी। BBMB के प्रोजेक्टों च हिमाचल के लोगों लिए रुजगार का कोई लिखती प्रबंध नहीं सी। साल 2011 च सुप्रीम कोर्ट वालों BBMB नूं वधे हुए हिस्से के बकाए हिमाचल नूं अदा करन दे हुक्म दिते गए सी। कोर्ट ने 1964 तो BBMB के 3 पण बिजली प्रोजेक्टों च हिमाचल की हिस्सेदारी वधा दिती सी। हिस्सेदारी 2.5% तो वधा के 7.19% कर दिता गया सी। इस आधार से हिमाचल सरकार ने 4,250 करोड़ के बकाए का दावा किया सी। करोड़ों के इस बकाए का अजे तक भुगतान नहीं किया गया। पंजाब सरकार इस तो पहला पंजाब पुनर्गठन एक्ट का हवाला दे के शानन पावर प्रोजेक्ट हिमाचल नूं वापस करन तो इनकार कर चुकी है। अजिहे च चंडीगढ़ की हिस्सेदारी के नाते हुण नवा मोर्चा खुलेगा।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ ਨਾ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਹਟਾ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਵਧਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।